नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चेन्नई सेंट्रल से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल तक चलने वाली चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 22611। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये जो ट्रेन है चेन्नई सेंट्रल से विजयवाड़ा विशाखापट्टनम जंक्शन भुवनेश्वर मालदा टाउन किशनगंज होते हुए ये न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पश्चिम बंगाल में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। और अगर इसके ट्रेन की अन्य डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये वीकली ट्रेन है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है। चेन्नई सेंट्रल से हर बुधवार को ये सुबह 11 बजे रवाना होती है और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में ये ट्रेन जो है 41 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचती है। इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं, 2308 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। आगे हम बात करेंगे इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो MGR चेन्नई सेंट्रल से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पश्चिम बंगाल तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। ये जो ट्रेन है चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो चेन्नई सेंट्रल से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के बीच में ये जो ट्रेन चलती है इसके सेकंड एसी का जो टोटल किराया है वो है 3070 रुपये, जिसमें 2829 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज जो है 146 रुपये है। टोटल किराया इसका 3070 रुपये के करीब बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 2085 रुपये, जिसमें बेस फेयर हैं 1900 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 45 रुपये, GST चार्ज जो है 99 रुपये। टोटल किराया इसका 2085 रुपये बनता है। ये थर्ड एसी के कोच के बारे में है। थर्ड एसी के इसमें तकरीबन 4 कोचेस हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में 13 कोचेस जो हैं स्लीपर क्लास के भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। चेन्नई सेंट्रल से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 795 रुपये, जिसमें 745 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्जेस 30 रुपये है। टोटल किराया इसका 795 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल अनरिजर्व डिब्बों का जो चेन्नई सेंट्रल से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 460 रुपये। ये किराया जो मैंने अभी आपको बताया है ये चेन्नई सेंट्रल से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक का है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आएंगे। ये जो ट्रेन है चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है MGR चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु से हर बुधवार को सुबह 11 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन जो है 22 स्टेशन हैं। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। 41 घंटे 30 मिनट बाद ये ट्रेन जो है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। चेन्नई सेंट्रल के बाद ये ट्रेन जो है नेल्लोर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 1:29 पर और 1:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 176 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। नेल्लोर स्टेशन जो है आंध्र प्रदेश का स्टेशन है। इसका ये ट्रेन का दूसरा स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है NLR। इसके बाद चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है ऑनगोल आंध्र प्रदेश में दोपहर के 2:54 पर पहुँचती है और 2:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 292 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। ऑन गोल स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है OGL। इसके बाद ये ट्रेन जो है आंध्र प्रदेश के एक मुख्य स्टेशन विजयवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:40 पे और 5:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और नरसारपुर गंटूर डेमो ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। एलुरू में ये ट्रेन जो है शाम के 6:36 पर पहुंचती है और 6:37 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। अनकापले स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 10:40 के करीब पहुंचती है और 10:40 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। दुबवड़ा स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 11:40 के करीब पहुंचती है और 11:40 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद
MGR चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम जंक्शन आंध्र प्रदेश में रात के 12:10 पे पहुंचती है और 12:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विशाखापट्टनम जंक्शन में ये ट्रेन जो है रिवर्स भी होती है, ट्रेन दूसरी दिशा में लगकर चलती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन विजयनगरम जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:28 पे और 1:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विजयनगरम जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है VGM और यहां तक की जो दूरी है 840 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। विजयनगरम के बाद ये ट्रेन जो है आंध्र प्रदेश से उड़ीसा में एंटर करती है। उड़ीसा के पहले स्टेशन ब्रह्मपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 4:33 पे पहुंचती है और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1058 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। ब्रह्मपुर का स्टेशन कोड है BAM। खुर्दा रोड जंक्शन उड़ीसा में ट्रेन जो है सुबह 6:40 पे पहुंचती है और 7 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है, एक या दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और गुरुदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ अंग एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है। यहां तक की जो दूरी है ये 1202 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये ट्रेन जो है सुबह 7:40 पे पहुंचती है और 7:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है उड़ीसा से ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। पश्चिम बंगाल के पहले स्टेशन हिजली स्टेशन में जिसका स्टेशन कोड है HIG, यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 12:07 पे पहुंचती है और 12:08 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1543 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बनकुरा जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 2:13 पे पहुंचती है और 2:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक या तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बनकुरा जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है BQA और 1665 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद MGR चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो आद्रा जंक्शन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 3:05 पे पहुंचती है और 3:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1716 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आद्रा जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है ADRA यानी कि आद्रा ही है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के आसनसोल जंक्शन में पहुंचती है जो कि पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां पर ट्रेन जो है शाम के 4:25 पे पहुंचती है और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, आसनसोल जंक्शन में ये हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 1758 किलोमीटर के करीब जो है ये चेन्नई सेंट्रल से आसनसोल जंक्शन की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में शाम के 5:25 पे पहुंचती है और 5:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1800 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है और इंजन रिवर्स भी होता है। रामपुर हाट जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 8:25 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1922 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है RPH और ये ट्रेन का 18वां स्टेशन है। अपने 19वें स्टेशन मालदा टाउन में ये ट्रेन जो है रात के 11:25 पे पहुंचती है और 11:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और दार्जिलिंग मेल ट्रेन के साथ इसकी हर बृहस्पतिवार को क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल से बिहार में एंटर करती है। बिहार के 2 स्टेशन है इस ट्रेन के। पहला स्टेशन है बारसोई जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है BOE। यहां पर रात के 1 बजे पहुंचती है और 1:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2136 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद चेन्नई सेंट्रल से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक चलने वाली ये चेन्नई न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है किशनगंज बिहार में पहुंचती है जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है और बिहार का आखिरी स्टेशन है। किशनगंज बिहार में रात के 1:51 पे पहुंचती है और 1:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पश्चिम बंगाल में सुबह 4:30 पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ
ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी फेवरेट ट्रेन के बारे में भी कमेंट जरूर करें। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।